हेलो दोस्तों, एक बार फिर से डी की फिर पे मैं आप सबका स्वागत। आज आपको बताना दोस्तों, जियो भारत का दोस्तों ये वाइट डिस्प्ले पर हूँ। दोस्तों देखिए, इसमें वाइट आ रहा है और चार्ज में लगाने से ऑटो रिस्टार्ट होता है। दोस्तों देखिए, प्लस सील है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा ऑन होगा और फिर ऑफ हो जाता है दोस्तों, और चार्ज में लगाने से भी ये मतलब ऑन ऑफ होता है दोस्तों। तो दोनों प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे दोस्तों। ये वाटर डैमेज भी है, देखिए अभी ऑफ हो गया दोस्तों, लेकिन अभी हम चार्ज में लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा आएगा और फिर चला जाएगा, थोड़ा सा आएगा फिर चला जाएगा। देखिए दोस्तों, आया, देखिए चला गया, फिर आएगा दोस्तों। तो यदि इस तरह प्रॉब्लम है दोस्तों, तो कैसे उसको फिक्स करना है, ये वाटर डैमेज भी है दोस्तों। देखिए आया, तो देखिए दोस्तों, इसमें डिस्प्ले का भी दिक्कत हो सकता है, या तो कहीं पानी मतलब जमा हो जाता है ना, तो भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने नट पहले सब खोल लिए हैं, बस एक रखे हैं, क्योंकि आपको पता लगे कि नहीं खुला हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैं कभी फेक वीडियो नहीं बनाता दोस्तों। तो चलिए, मैं खोल लिया दोस्तों फटाफट, क्योंकि आपको भी थोड़ा लंबा वीडियो ना चाहिए, इसलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इधर तो पूरा फ्रिज दिखा रहा है बोर्ड। चलिए हम इसको उखाड़ के देखते हैं, डिस्प्ले को उसका लट्ठा रहता है दोस्तों, आराम से आपको उखाड़ना है इसको, क्योंकि टूट भी सकता है दोस्तों। इस तरह धीरे धीरे आराम आराम से निकालना है इसको दोस्तों, इस तरह। देखिए पीछे वाला रह गया दोस्तों, तो इसको मैं उखाड़ लेता हूँ इस तरह। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना मतलब जो चित्ती लगा है वाटर डैमेज से, मतलब पानी जमा हो के, देखिए यहाँ पर ख़राब कर दिया है दोस्तों प्रिंट, या शॉर्ट सर्किट हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। तो बस इसको हम साफ़ करेंगे दोस्तों, उसके बाद देखेंगे आता है कि नहीं, और उससे बाद भी नहीं आएगा तो इसको डिस्प्ले के बाद रिमूव करेंगे दोस्तों, और फिर से इसको मतलब उखाड़ के फिर से साटेंगे तो ऊपर भी आ जाता है दोस्तों कभी कभी, और उससे भी नहीं होगा दोस्तों तो आप डिस्प्ले एक बार चेंज करके भी देख सकते हैं। और जो ये ऑटो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो इसी का यहाँ शॉर्ट हो रहा है ना, मतलब जो लाइट के लिए जो प्लस रहता है दोस्तों, वो यदि गर्म हो जाएगा तो रिस्टार्ट ऑटोमेटिक होगा दोस्तों। तो चलिए अभी देखते हैं फोटो पिक्चर आता है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा, हाँ दोस्तों देखिए आ गया, तो काम हो गया दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दीजिएगा दोस्तों, ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले। देखिए दोस्तों, इससे नहीं होगा ना साफ़ करने से बरस से, तो आप डिस्प्ले को एक बार रिमूव कीजिएगा और फिर से इसको सोल्डिंग कर दीजिएगा तो पर भी आ जाता है। उससे भी नहीं आया तो आप डिस्प्ले एक बार बदल के देखिए दोस्तों, और उससे भी नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इसका ट्रैक कहाँ कहाँ जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वीडियो बना के दूसरा दे दूँगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पूरा सही हो गया, तो यही छोटी सी जानकारी देता दोस्तों। और दोस्तों, इसमें अभी चार्ज वाला ही ऑटोमेटिक जो हो रहा था वो भी फिक्स हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, अभी हम आपको चार्ज करके भी दिखा देंगे दोस्तों, जो तभी ऑटो रिस्टार्ट मतलब हो रहा था, चार्ज ऑफ ऑन तो नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप इस तरह कोई भी सेट को कर सकते हैं, जरूरी नहीं जियो भारत दोस्तों, जियो फोन भी कर सकते हैं। देखिए चार्ज भी हो रहा है दोस्तों, अभी वन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट मतलब सड़ रहा था दोस्तों, जो डिस्प्ले के लिए लाइट आता है ना, वो मतलब आपस में सड़ रहा था चिट्टी लग के, इसलिए वो खुलने नहीं दे रहा था मतलब। अभी पूरा ओके हो गया दोस्तों, आप इसको एक बार बदल के भी देख सकते हैं, यदि साफ करने सबका नहीं आता है दोस्तों, इसको रिमूव कीजिएगा और फिर से सोल्डिंग कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों, यही छोटी सी जानकारी देना था। वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह रिपेयरिंग का वीडियो डालते रहता हूँ दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।